हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे यातायात के साधन और ये हमारा सांपट कौशल है। इसमें हम सांपट का प्रयोग करके बताएंगे, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है शाम सूक्ष्म पाठ योजना, कक्षा सिक्स, विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल, प्रकरण यातायात के साधन, छात्र अध्यापिका नाम जो आपका नाम है, दिनांक जो तारीख है, वादन जो पीरियड है, और समय 6 मिनट का स्किल का। उसके बाद सांपट कौशल के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है सांपट के समुचित प्रयोग में छात्र शिक्षक को दक्ष बनाना। दूसरा है सांपट प्रबंधन के कौशल का विकास करना। तीसरा है छात्रों को सांपट पर ध्यान केंद्रित करने के अनुकूल बनाना। चौथा है शिक्षण कार्यों में सांपट की उपयोगिता को बढ़ाना। पांचवा है छात्र शिक्षक द्वारा शब्दों और वाक्यांशों को स्पष्ट करने के लिए सांपट का प्रयोग करना। सिक्स है सुंदर व सुस्पष्ट सांपट लिखने का लेखन का विकास करना। उसके बाद आते हैं हमारे घटक, सांपट कौशल के घटक। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व और अंत में ऊपर से नीचे की ओर साफ करना और साफ करते समय धूल नहीं उड़ाना। दूसरा घटक हमारा अक्षरों का आकार निश्चित व स्पष्ट होने के साथ लेख सुंदर हो। तीसरा है कार्य संक्षिप्त स्पष्ट क्रमबद्ध वर्तनी शुद्ध व अंतिम छोर से स्पष्ट दिखाई दे। चौथा लिखते समय सांपट के समांतर लिखें और चौक की आवाज ना आए। पांचवा लिखते समय 45 अंश के कोण पर खड़ा हो एवं छात्रों पर भी ध्यान रखें। छठा है शब्दों वाक्य व दो लाइनों के बीच में प्रयुक्त अंतराल हो व शब्दों में अन्य आलेखन ना हो। सातवां है रंगीन चौक का प्रयोग मुख्य शब्दों बिंदुओं के रेखांकन एवं चित्र आदि। आठवां है संकेतक का प्रयोग। उसके बाद आता है हमारा लेसन प्लान। लेसन प्लान में हम पहले प्रश्न संख्या, फिर छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, फिर सहायक सामग्री, उसके बाद घटक। यहाँ पर हमने सहायक सामग्री में हमने बोर्ड का यूज़ करा है और चार्ट का भी यूज़ करा है। अगर आपको हमारे चार्ट की वीडियो देखनी, इसकी प्लेलिस्ट अलग से है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। उसके बाद पहला है गाड़ी बस ट्रेन आदि क्या है, तो छात्र उत्तर देंगे गाड़ी बस ट्रेन आदि वाहन है। हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे ये वाहन यातायात के क्या है, तो छात्र उत्तर देंगे ये वाहन यातायात के साधन हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे यातायात के साधन से आप क्या समझते हैं, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो हम सांपट कौशल का व्याख्या करेंगे पहले, तो फिर बोर्ड का यूज साथ साथ में करते जाएंगे, जिसमें मेन मेन पॉइंट हम बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पे मेन पॉइंट लिखे हुए हैं थल परिवहन कि इसको 3 भागों में बांटा गया है, तो हमने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। स्पष्टीकरण करते हैं, वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन के लिए मनुष्य पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप यातायात के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है। थल परिवहन, थल परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्ग और रेल मार्ग आता है जैसे कार। दूसरा है जल परिवहन, जल परिवहन के अंतर्गत पानी में चलने वाले वाहन आते हैं जैसे किश्ती। और वायु परिवहन, वायु परिवहन के अंतर्गत हवा में चलने वाले वाहन आते हैं जैसे हवाई जहाज। यहाँ पर जो छात्र क्रियाएं होंगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका पर अंकित करेंगे जैसे मेन पॉइंट है। और ये हमारी सहायक सामग्री थी। घटक हमने सुंदर लिखना है, सफाई है, जो भी घटक है वो हमने क्योंकि सभी यूज़ करे हैं, संकेतक का भी प्रयोग करा है, रंगीन चौक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो वो भी कवर हो जाएगा पढ़ाते समय। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारी अवलोकन सारणी। पहले कर्म संख्या, फिर घटक, फिर निमन, संतोषजनक, उत्तम, अत्युत्तम, सर्वोत्तम। ये प्लान ऐसे ही बनाना है सांपट कौशल का।
उसके बाद ये जो घटक पीछे दिए गए वो सभी घटक ऐसे ही लिखने हैं, ये जैसे कि मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे तक साफ करना है और धूलि उड़ानी है, अक्षरों का आकार निश्चित स्पष्ट और लेख सुंदर हो और वर्तनी शुद्ध हो, अंतिम छोर तक स्पष्ट दिखाई दे, सांपट में चौक की आवाज़ ना करें, 45 अंश का कोण बना के चले जो छात्र भी ध्यान दे, दो लाइनों के बीच में प्रयुक्त अंतराल होना चाहिए, रंगीन चौक का प्रयोग करना चाहिए, मिथ्य और संकेतक का प्रयोग करना चाहिए। सुझाव है जो टीचर हमें देगी ये टीचर फील के लिए करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।